देश में आज 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया है तथा सभी देशवासी गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबे रहे। उत्तर प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस के पर्व पर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। हर तरफ बड़ी बड़ी इमारतों के साथ चौराहे तिरंगे के रंग में रंगे हुए नजर आए। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर 73वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, भारत का संविधान दुनिया के अन्य देशों में अलग ही छाप छोड़ता है। भारत का संविधान भारतीय होने का गौरव प्रदान करता है। भारत की उपलब्धियों पर हम सबको गौरव करना चाहिए। दुनिया के अंदर भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। संविधान कई मायने में बहुत अहम है। संविधान जो देश के नागरिकों को सम्मान देता है। हमारा गणतंत्र उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों व भारतीय संविधान के प्रति अखंड निष्ठा और हमारी विविधता में एकता की समेकित अभिव्यक्ति है। राष्ट्र सलूट समेत जय गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा रावण यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाने तव शुभ आशीष मांगे जय भारत भाग्य विधाता के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए अपनी व्यवस्था को संचालित करने के लिए अपना एक संविधान बनाना आवश्यक होता है। भारत के उस समय के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर के एक संविधान सभा का गठन किया था। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को संविधान का मसौदा तैयार करके संविधान की प्रति संविधान सभा को सौंपती है और 26 जनवरी 1950 को इस देश ने अपना संविधान लागू किया। भारत का संविधान कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर जहां भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा भारत का संविधान अपने प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराता है, वही भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए उसके कुछ मौलिक कर्तव्य भी भारत के संविधान ने दिए हैं। अधिकार और कर्तव्य के बीच का यह समन्वय ही भारत के संविधान को दुनिया के अन्य संविधानों की तुलना में कुछ विशिष्ट स्थान रखता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत के संविधान ने दुनिया के सामने अपनी विशिष्टता की छाप छोड़ी है। खासतौर पर आधी आबादी को देश के पहले आम चुनाव से ही मतदान का अधिकार मिले, आधुनिक लोकतंत्र की डींग हांकने वाले ब्रिटेन में यह अधिकार बहुत बाद में मिला, लेकिन भारत में पहले आम चुनाव में ही यह अधिकार प्राप्त हो गया था।
इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के एक बड़े समुदाय को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के साथ साथ उन्हें उनका अधिकार प्राप्त हो, वंचितों को दलितों को यह अधिकार भी भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया। और आज यही कारण है कि तमाम सम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न केवल सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करता रहा है, बल्कि दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में अपनी एक अनवरत यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। हम सबको भारतीय होने का गौरव प्रदान करने वाला भारत का यह संविधान भारत की मूल भावनाओं का प्रतिनिधित्व भी करता है। आज जब यह देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, हम सबको भारत की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज भारत दुनिया की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने एक नई मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान भारत ने यह साबित भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन, जिसमें जीवन और जीविका को बचाने की पूरी गारंटी रही हो, भारत का यह कोरोना प्रबंधन दुनिया के लिए आज भी एक नजीर बना हुआ है। आज एक बार फिर से हम सबको इस संकल्प के साथ जुड़ना होगा कि हम अपने भारत के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए जीवन में जब भी अगर हम अधिकार की बात करते हैं तो उससे पहले अगर अपने कर्तव्यों के बारे में भी प्रत्येक नागरिक विचार करते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाए तो वह मुझे लगता है कि भारत को दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों के रूप में खड़ा करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। भारत निश्चित ही दुनिया की एक महाताकत बनकर के आगे बढ़ेगा। मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य जिस उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के दौरान एक लंबी यात्रा प्रारंभ की है, विकास की, समृद्धि की, सुशासन की और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए देश के अंदर एक नई नजीर प्रस्तुत कर रहा है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले उन सभी नागरिकों को जिन्हें कल पद्म पुरस्कार से सम्मानित भारत सरकार ने सम्मानित किया है, उनके नामों की घोषणा की है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। मैं देश के उन सभी महापुरुषों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई को एक नेतृत्व दिया था और जिन्होंने देश की आजादी का अनुभव कभी अपनी आंखों के सामने नहीं देखा लेकिन एक जज्बा था भारत को हर हाल में स्वाधीन कराने का, एक उभरते हुए भारत को दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे भारत को आगे बढ़ने का उनका सपना, आजाद भारत किस मजबूती के साथ आगे बढ़कर के उसे लेके चल रहा है, एक आत्मावलोकन करने का भी अवसर या पर्व हम सबको दे रहा है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत माता के ज्ञात और अज्ञात उन सभी शहीदों को
जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए और स्वतंत्र भारत में भारत को एक नई दिशा देने में अपना योगदान दिया है, उन सबको मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन भी करता हूं। मैं भारत माता के उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, उन सभी को भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके शहादत को नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देश के विभिन्न राज्यों के सामने एक नजीर बनकर के उभरी है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश और सुरक्षा से समृद्धि की ओर अग्रसर करने वाले अपने उन सभी जवानों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक माहौल देने में अपना योगदान दिया है, आज वे हमारे बीच नहीं, उन सबको भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश को आज एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में, समृद्ध उत्तर प्रदेश के रूप में आगे बढ़ने के जिस जज्बे के साथ आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, योगदान देने वाले उन सभी टीम के अपने साथियों के साथ साथ प्रदेशवासियों को भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। 73वें गणतंत्र दिवस की उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब भारत के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, अगर हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में इस कार्य को ईमानदारी से आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर के कार्य कर सकेगा, तो भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करने में कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। एक बार फिर से 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।